युद्ध में कई बार दुश्मन को हराने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे कमजोर दिखाना, उसे चिढ़ाना। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पुतिन ने मॉस्को की सड़कों पर हथियारों की एक परेड निकाली है। ये परेड अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को चुभने वाली है। दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मॉस्को की सड़कों पर हथियारों की नुमाइश हो रही है। आने जाने वाले रूसी नागरिक टैंकों बख्तरबंद गाड़ियों की फोटो ले रहे हैं। बच्चे बड़े सब बहुत ध्यान से युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को देख रहे हैं। ये टैंक और तोप रूस के नहीं है, ये सभी रूस के दुश्मन पश्चिमी देशों के हथियार हैं, जिन्हें रूस की सेना ने यूक्रेन युद्ध में तबाह किया है। बर्बाद करने के बाद रूसी सेना ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया और अब उनकी प्रदर्शनी लगा दी गई है। रूस ने इन हथियारों के साथ बड़े बड़े फ्लैग भी लगा रखे हैं, जिन पर रूसी भाषा में लिखा है विजय। हथियारों पर पश्चिमी देशों के झंडे भी बने हुए हैं। यह अमेरिका का अब्राम्स टैंक है, जो अमेरिका ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक्स में एक माना जाता है। अमेरिका ने इसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए यूक्रेन को दिया था, लेकिन रूस ने अमेरिका के इस टैंक को कबाड़ बना दिया। ये जर्मनी का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है, नाम है लेपर्ड। अब ये लेपर्ड रूस की जंजीरों में है। बेकार पड़ चुके लेपर्ड टैंक को भी रूस ने नुमाइश में लगा दिया। ये फ्रांस का टैंक है, जिसे रूस यूक्रेन की युद्ध भूमि से उठाकर लाया है। रूस के धमाकों ने इस टैंक को शोपीस बना दिया है। ये स्वीडन का टैंक AMX-10RC है, जिसे यूक्रेन को दिया गया था ताकि रूस पर वो हमला कर सके, लेकिन रूस ने इसे किसी हमले लायक छोड़ा ही नहीं। जंग के मैदान में रूस ने यूक्रेन के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। उनमें से कुछ टैंकों को रूसी सेना अपने साथ मॉस्को लेकर आई है। टैंक और तोप के अलावा रूस ने जंग के मैदान से ब्रिटेन की बख्तरबंद गाड़ियों को भी अपने कब्जे में लिया है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और तुर्किया के भी बर्बाद हो चुके हथियारों का प्रदर्शन मॉस्को में किया गया है। इस प्रदर्शनी का मकसद अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को शर्मसार करना है और ये बताना है कि रूस की ताकत के आगे उनके हथियार कहीं नहीं टिकते। मॉस्को में यह प्रदर्शनी 9 मई तक चलेगी। 9 मई के दिन को रूस विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। उस दिन मॉस्को में रूसी सेना की परेड निकलती है। उस परेड में भी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बेकार हो चुके हथियारों की परेड निकाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।